हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, और इनको पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है, या शेरे पंजाब भी इनको बोला जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ था मुंबई में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, और ये कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष बने थे, 1940 से 46 तक। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? क्रमशः था सांप्रदायिक अवार्ड में कहेगा तो 71 और पूना पैक्ट में 147। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। वही इंग्लैंड के प्रथम कहेगा प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल थे। आगे देख लेंगे, कौन से उद्योगपति सबसे लंबे समय तक AIC के खनचांदी रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो ये थे जमनालाल बजाज। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे तेज बहादुर सपरू। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 में हुआ था, और इसका अन्य नाम कहेगा तो दिल्ली समझौता भी है। गांधी इरविन समझौता के अन्य नाम दिल्ली समझौता भी है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष किए थे, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लाइफ डिवाइन, और एक आता है कि शिवानंद की पुस्तक का नाम क्या है? तो डिवाइन लाइफ। इसका उल्टा हो जाएगा डिवाइन लाइफ, तो लेखक हो जाएंगे शिवानंद। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यह था लीडर, जिसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कहेगा तो 21 जून में होता है। वही दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। आगे देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होता है, और ये होता है अमावस के दिन। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो चंद्रमा के आकर्षण के शक्ति से। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी को भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन के वर्ष कहलाता है, और लघु विभाजन वर्ष किसे कहेंगे? तो 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 19A। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। कैसे? तो महाभियोग लगाकर, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और महाभियोग ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे देखेंगे, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह किस वर्ष तक यथायत रहेगा? तो 2026 ईस्वी तक। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? तो केंद्र सरकार के मुखिया होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति, जिनका गठन हुआ था 1957 में, और ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय सिद्धांत के सुझाव दिए थे। आगे देख लेंगे, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है, और ये हुआ था 1976 में। भारत में राष्ट्रीय आय का
समांगों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय संख्यांकी संगठन द्वारा, जो कि केंद्रीय संख्यांकी संगठन का गठन हुआ था 1951 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र, और ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन का विषय किसमें संग्रहित है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये किए थे पीसी महालनोबिस ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में, और किस समिति के तहत? तो शिवरामन समिति के तहत। और जो छठी पंचवर्षीय योजना था, इसका कार्यकाल हो जाएगा 1980 से 85 तक। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करता है कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। वही जूट कह देगा तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये हो जाएगा निगम कर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोला जाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर की ओर। पीतल में कौन कौन सी धातु होते हैं? तांबा और जस्ता। चूहे मारने की जौहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने की दवाई जो बनता है ये पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड का बनता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का, और ये ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में जो तैरने से मनुष्य की त्वचा जलता है ये क्लोरीन के कारण होता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। आगे देख लेंगे, कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को पैदा करते हैं नली में। सोने को किस में घोला जा सकता है? तो सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, जिसे इसका मिश्रण को कहते हैं अम्लराज। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है? तो जब हाइड्रोजन जलेगा तो पानी बनेगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के तहत मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। एसीपीरिन कहाँ से मिलती है? तो ये एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से एसीपीरिन मिलती है। आगे हो जाएगा, अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो ये कारखाना जहाँ पे होता है वहाँ पे अम्ल वर्षा होने का संभावना अधिक होता है। इसका कारण है SO2 और NO2। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहेगा तो ये होता है नॉर्वे देश में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 में। वही मंगल पांडे कहेगा फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे की फांसी दी गई थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये थे फणीन्द्र नाथ घोष। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी के अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था, और ये बिहार में होने वाला कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। और पहला हुआ था कहाँ पे? तो बांकीपुर पटना के करीब 1912 में। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, किस स्थान पर दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में, पाली भाषा में। मगध की प्रथम राजधानी कहेगा तो गिरिब्रिज राजगिरी थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहेगा तो तक्षशिला हो जाएगा। आगे देखेंगे,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेगा स्निच का पुस्तक का नाम क्या है? मेगा स्निच के पुस्तक के नाम हो जाएगा इंडिका। और मेगा स्निच चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, और ये किसके राजदूत थे? तो सेलिगोस निकोटर का। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था चौथी, कहाँ पे? तो कश्मीर में, और कश्मीर में कुंडलवन में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कहेगा कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना भी किए थे। गुलाम वंश का अन्य नाम कहेगा तो दास वंश या मामूलिक वंश भी है। आगे हो जाएगा, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 ईस्वी तक चला था में किस प्रमुख महत्व दिया गया? यानी पहला पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर बनाकर किया गया है? विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया गया है। बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये लिच्छवी के शासनकाल में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 17%। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे? तो आर्य समाज हरिजन के जड़ तक पहुँचे। और आर्य समाज के गठन 1875 में किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो ये था सत्य शोधक समाज, जिसका नेतृत्व किए थे ज्योतिबा फुले, और ये कब था? 1873 में। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया था? तो यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, और किसके कारण यह बंद हुआ था? तो चोरा चोरी हत्याकांड के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाए थे डॉक्टर एओ होम, और ये कांग्रेस के गठन किए थे मुंबई में कब? 1885 में। आगे हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह दिए थे। केन्या की राजधानी कहाँ पे है? तो ये है नैरोबी में। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को, और ये इटली में है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बोधगया में है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? तो जैन में कहेगा टोटल कितने तीर्थकर थे? तो 24, और ये 23वां हो जाएंगे पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा तो सर्प है। आगे हो जाएगा, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो ये हो जाएगा कलहड़ की राजतरंगड़ी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा किया गया था? भद्रबाहु द्वारा, और इनके जो शिष्य थे ये कहलाते थे दिगंबर। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो पार्ट में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर के पार्ट में, और इनका जो भद्रबाहु के शिष्य थे उनको वो कहलाते थे दिगंबर। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो ये राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रजनामा। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? कृषि की शुरुआत हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास। आगे देखेंगे, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में रहती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। वही अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कहेगा तो राणा रतन सिंह थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना।
आगे देखेंगे किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की, तो यह है जीवन चक्र, जिसको वर्ण श्रम धर्म कहा जाता है। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो यह हुआ था पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो यह हो जाएगा शेखपुरा, सबसे छोटा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल में शेखपुरा, और जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला शेखपुरा ही है, और जनसंख्या में बिहार के सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पटना, और क्षेत्रफल में बिहार के सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार दोनों में कहेगा छोटा तो शेखपुरा। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था, तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। शिक्षा पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में रखा गया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में, भाग कहेगा तो 20 में है, और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्त किससे प्राप्त करते हैं, तो सरकारी अनुदानों से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये हो जाएगा मीथेन, जिसका अन्य नाम मार्स गैस भी है। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया, यानी कि कब लागू हुआ था, अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 में, और भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो भारत के संविधान को अंगीकृत किए थे संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितने समय लिया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपातकाल में भी जीवन का जो अधिकार है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल लागू होने के समय कहेगा कि मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास था, तो राष्ट्रपति के पास। आगे देखेंगे मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी कर सकता है। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति से पहले ही भंग कर सकते हैं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को। आगे देख लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है, तो संविधान के द्वारा। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की संतुति पर ये कर सकता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।